दोपहर कमिश्नर साहब तक गए हम लोग, कमिश्नर साहब भी बोले पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती है, कोर्ट का सहारा लो, कोर्ट के लिए तैयारी करने के लिए हम जब जाते हैं तब तक कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता है। एक दुकान थी हमारे रेशनिंग की, वो भी कैंसिल करवा दिया, अब रोजी रोटी भी नहीं है, अब लगता है हम लोग को पूरे परिवार को आत्महत्या करना पड़ेगा, कब हो जाएगा कोई ये नहीं है, और वो भी पीछे लगे हैं सब, हम लोग को जान को खतरा, पूरे परिवार को कभी मरवा कटवा सकते हैं। मतलब उसकी रखेले वो आई और दोनों ने माँ जी को मारना शुरू कर दिया, तो उसके बाद हम लोग जब देखे जब गए उसके पास तो दोनों मुझे। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं राजसुख मेडिकल केयर यूनिट हॉस्पिटल के यहाँ। यहाँ एक अजीब मामला है, कहने को आपसे आपसी घरेलू विवाद है जिसमें एक महिला को चोट आई है, हमने महिला से बात की, वो आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन ये जो पूरी घटना है अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल यहाँ मामला है, एक ही परिवार, एक ही बाप, उसके दो बेटे, एक बेटा है वो बाप के साथ में है लेकिन दूसरा बेटा है उसका पूरा यहाँ मामला है। दरअसल जो पीड़ित है बाप की ही अपने बेटे के खिलाफ शिकायत है, उसके पीछे का कारण ऐसा बताया गया कि जो बेटा है वो किसी अपनी बीवी को खुद छोड़कर किसी और औरत के साथ में रह रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है। उसके दो बच्चे भी हैं पहली बीवी से जिसका तलाक अभी हुआ नहीं है, कानूनी रूप से वो अभी भी वो बीवी है लेकिन ये किसी और के साथ में रह रहा है। इतना ही नहीं, रहने के बाद में ये हमेशा अपने माँ बाप को प्रताड़ित कर रहा है। अब एक बाप अपने बेटों में कभी फ़र्क नहीं करता है, इसका नमूना यहाँ देखने को भी मिला। हालांकि बेटे ने इस तरह से बाप के साथ व्यवहार किया उसके बावजूद बाप ने ज़रूर बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया, लेकिन उस बेटे के जो दो बच्चे हैं पहली बीवी से उनके नाम पे वो संपत्ति की गई है और ये पूरा विवाद उसी संपत्ति को लेकर है। वो चाहता है कि जो अवैध रूप से जिसके साथ रह रहा है उसको ये सब मिले। तो ये मामला है, सुनिए आप आगे बाप की जुबानी और उस बीवी की जुबानी जिसका मर्द किसी और औरत के साथ में है। वसई से यूसुफ अली। क्या नाम है आपका? सुनीता पासवान। सुनीता जी, आपके साथ क्या हुआ बताइए। सर, हम लोग अपने साइड पे गए थे, वहीं पे मेरे हस्बैंड आए और उसकी औरत। आपके हस्बैंड और उसकी औरत? नहीं, मतलब उसकी रखेले वो आई और दोनों ने माँ जी को मारना शुरू कर दिया, तो उसके बाद हम लोग जब देखे जब गए उसके पास तो दोनों मुझे भी मारने लगे, बच्चे को भी मारे सब। तो हम लोग ने भी उससे माथापाई हुआ, झगड़े झगड़ा हुआ और फिर उसके बाद मेरे सर पे उन दोनों ने पत्थर से वार किया। आप रहते कहाँ? संतोष भवन। किन के साथ रहते? अपने सास ससुर। मतलब जो पति आपके हैं उन्हीं के माँ बाप के साथ? जी। कितना समय हुआ आपकी शादी? 15 साल। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे। तब का जैसा आरोप है कि आपके पति वो आपको छोड़ कर किसी और के साथ में? जी। कितने साल से रह रहे हो? एक साल से रह रही हूँ दूसरी औरत के साथ, और ना कभी फ़ोन करते हैं, ना ही बात करते हैं, ना ही पूछते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, ना ही कोई खर्चा पानी कुछ भी नहीं, देखने तक नहीं आए कि मेरे बच्चे लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। अच्छा, जो अभी मारपीट हुआ उसके पीछे कारण क्या था? कुछ नहीं सर, कोई कारण नहीं था, हम लोग तो अपना साइड देखने गए थे, वो लोग अचानक से आए वहाँ पर, पता नहीं कि मेरी सासू माँ को क्या बोले क्या कहे, वही झगड़ी झगड़ा होने लगा दोनों लोग में, मारे भी हम लोग तो पीछे से जाकर उनको मारना शुरू किया। जब उन लोगों ने माँ को मार दिए तब तो हम लोग बोलने लग गए, तो दोनों लपट गए हम दोनों पर, मेरे बच्चों को भी मारे हैं, मुझे भी मारे हैं। आप पुलिस प्रशासन से कुछ मांग करना चाहेंगे? क्या पुलिस प्रशासन कोई हम लोग की सुनवाई नहीं करता है, साल भर से हम लोग अर्जी डाल डाल के थक चुके हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रेमा पासवान। क्या हुआ आपके साथ? का हुआ उधर टूटत रहा गया ले जावे जना ओ आया लोग दोनों जानी। कौन आया था? प्रदीप। हाँ। हमके कौन आया? हमारा लड़का है। हमके गाड़ी देवे लगा गंदी गंदी, तब मारा एक जा ये लपट गई।
हम बोला कि अपने लड़का के गाड़ी दे, वो देता है तू के मारा वाली है। इतने पर दोनों मारे लगल सब। हाँ ये प्रदीप रहा सोनम आए खान तीन जानी। हाँ वही फोन करके बुलाया हम थोड़ा बैठा वही खान खान ने हाँ हाँ नहीं तो हम आवत रही। आपकी बहू बोल रही कि बहू आपके साथ रहती है। हाँ आपका लड़का किसी के साथ रहता सही है क्या? एक साल तो वो औरत के साथ रहती है पंडित आईने की का है। हाँ आपका नाम क्या है? रामबचन स्वरूप पासवान। रामबचन जी क्या मामला है बताइए। मामला हमारा छोटा लड़का प्रदीप पासवान और घर में हमारे सुनीता पासवान खुद की बहू मतलब हमारी है और प्रदीप पासवान एक सोनल मिश्रा नाम की रखेल औरत के साथ में एक साल से अचोले रोड पर डी मार्ट के सामने उधर रहने रह रहा है और घर पे कोई कुछ नहीं करता आता जाता भी नहीं। बच्चे का और औरत का खर्चा बर्चा हम ही लोग बूढ़े बुजुर्ग आदमी न काम न धंधा कुछ नहीं बेकार हालत में पड़े हैं और हम लोग उसे इम्प्रेस बच्चों का सेवा सत्कार कर रहे हैं लेकिन वो हम लोग को इतना खुराफात करता रहता है खुराफात झूठी झूठी केस वो सोनल मिश्रा को आगे खड़ा करके और हम लोग के प्रति कहीं कभी मर्डर का केस डाल देगा तो कभी कुछ भी मतलब केस हमेशा डालता रहता है एनसी एनसी करता रहता है कि मतलब ये लोग को मैं परेशान करके एकदम मजबूर कर डालूँ। वो सोचता है हम लोग बोले कि तू आ जा तुम्हारे लिए दरबार खुला घर के अंदर आ जा लेकिन बोलता कि नहीं हम नहीं आएंगे जो करने का तुम लोग करो। तो वो लोग का दिमाग उसका दिमाग क्या प्रॉपर्टी के पीछे था। प्रॉपर्टी सर मैं उसके ही खुद के दो बच्चे आदित्य और यश और बड़ा लड़का विनोद कुमार पासवान के 50-50 दोनों गांव से लेकर के यहाँ तक वो लोग को। क्या मामला हुआ था? कल सर हम लोग 7 किलोमीटर दूर संतोष भवन में रहते हैं और आदमी कोई नहीं था औरत बच्चे लोग गए थे उधर कल साइड टूट रहा था बिल्डिंग टूट रही थी हमारी तो उसी में ये लोग सोचे कि चलो हम लोग बाजार भी कर लेंगे और अपना वो भी देख लेंगे क्या हो रहा है। गई उधर तब तक वो हनीफ खान जो है फोन करके बुला लिया प्रदीप को और सोनल को दोनों लपट के पहले उन अपनी माँ को बहुत मारने लगे तब तक ये बहू थी उसके बच्चे बच्चे थे सब दोनों में इतना मारा मारे हुआ। फिर बाद में हम लोग को 5-6 बजे के लग खबर आया तो हम लोग पुलिस चौकी में गए वहाँ अचोले रोड पर 2:30 बजे रात तक हम लोग का मतलब कंप्लेंट सुनीता पासवान की तरफ से लिया गया। फिर 2:30 बजे रात को हम लोग आ करें अब और इतना सीरियस इसका तबीयत पानी सब इतना ख़राब है मरने के कगार पर है और ये लोग हम लोग के को हमेशा गलत जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं सब और हम लोग बहुत एकदम मजबूर हो गए। लगता है कि हमारा पूरा परिवार अब बिखर चुका है एक जो है लड़का हमारे 10 लोगों के परिवार को बिखार चुका है और आशा और पुलिस चौकी वगैरह से हम लोग जाते हैं तो कब भी कोई कार्रवाई एक साल से कितनी 20-25 अर्जियाँ और एनसी सब पड़ी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई हम लोग के ऊपर। कमिश्नर साहब तक गए हम लोग कमिश्नर साहब भी बोले पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती है कोर्ट का सहारा लो कोर्ट के लिए तैयारी करने के लिए हम जब जाते हैं तब तक कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता है। एक दुकान थी हमारे रेशनिंग की वो भी कैंसिल करवा दिया अब रोजी रोटी भी नहीं है अब लगता है हम लोग को पूरे परिवार को आत्महत्या करना पड़ेगा कब हो जाएगा कोई ये नहीं है और वो भी पीछे लगे हैं सब हम लोग को जान को खतरा पूरे परिवार को कभी भी मरवा कटवा सकते हैं। गुंडे हम लोग घर के आगे पीछे सब घूमते फिरते रहते हैं सब और पता करते रहते हैं। आपकी मांग क्या? मांग हमारा हम लोग सोचते हैं कि जब वो गया तो अपना चला जाए उसके साथ में सोनल मिश्रा के साथ रहे लेकिन हम लोग के प्रति कोई खुराफात या कुछ भी न करने पावे हम लोग अपना चैन की ज़िंदगी जो नमक रोटी है अपना उधर खा के अपना गुजर बसर करेंगे। आप एक बाप हो और दो बेटे में फ़र्क कर रहे हो ऐसा क्यों? फ़र्क सर हम लोग कुछ नहीं किए दोनों के लिए समान व्यवहार है
बड़ा बेटा जो है हमारे साथ में रह रह के हम लोग के रात दिन 24 घंटा लीन रहता है, वो जो है घर का पैसा लूट के और दूसरे के गलत तरीके से लूटा पुटा के और गलत करता है, तो सर कैसा हो सकता है। अपने बीवी बच्चे को भी नहीं देख पाता है, व्यवहार में कोई हमारे तरफ से कोई कमी नहीं है। उनके बीवी बच्चों का भरण पोषण कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। अभी जो कल का मामला हुआ है इसमें क्या पुलिस प्रशासन आपको सहयोग कर रही है, क्या कर रही है? बहुत कोशिश के बाद, कई घंटे के बाद तो जा करके वही FIR दर्ज हुआ। अब क्या हुआ लेकिन हमको कुछ भरोसा नहीं लगता कि हमारे साथ न्याय हो सकता है। FIR दर्ज होने के बाद कल से अभी तक कोई पुलिस या कोई कोई यहाँ पे हॉस्पिटल में इंक्वायरी के लिए आया? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं, कोई नहीं आया, कोई फोन, कोई जानकारी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जानकारी। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।